फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी इसे सिर्फ वन साइडेड से अटैच किया है इस तरीके से। तो आपने भी यहाँ से इसे अटैच कर लेना है, यहाँ से लेके पूरा हैंड को लेके यहाँ तक इसे अटैच करना है। और इसी तरीके से हमें इस साइड से भी अटैच कर लेना है, इस साइड से, यहाँ से लेके जिस तरीके से हमने इस साइड से अटैच किया उसी तरीके से इस साइड से अटैच करना है। और इस तरीके से आप दोनों साइड से इसे अटैच कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना है पूरे हैंड को लेके और यहाँ तक आपने अटैच कर लेना है इसे, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा हमें खुला छोड़ना है, पूरा इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करेंगे। सिर्फ ये वाला फुट वाला नीचे वाला हिस्सा हम इसे खुला छोड़ेंगे फुट पैड्स के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको खुला छोड़ना है और बाकी इसे स्टिच कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम स्टिच कर लेते हैं इसको, तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस जॉइंट को यहाँ से बैक बॉडी के इस पार्ट से हैंड के साथ पूरा अटैच करना है इस तरीके से। तो अटैच कर लेते हैं, तो हम इसे अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे अटैच कर लिया है, इस साइड से भी हमारा अटैच हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसके लेग्स रेडी करने हैं। तो आप इस जॉइंट को यहाँ से आप और यहाँ तक इसे लेग्स तैयार कर लेंगे, इस जॉइंट तक अटैच करना है इस तरीके से। इस लेग्स को इस तरीके से आपने अटैच करना है। जितना कट हमने बैक साइड में लगाया है आप लोग देख सकते हैं, जितना कट हमने बैक साइड में लगाया उतना ही यहाँ पे आके रखना है और इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। तो आप लोग इसे यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर लीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ से लेके इसे यहाँ तक अटैच करना है। तो अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे अटैच कर लिया यहाँ से लेके, ये हमारे लेग्स रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेके अभी जो हमने लेग्स के लिए नीचे वाला हिस्सा खुला छोड़ा था उसमें हमें फुट पैड को लगाना है। इस वाले हिस्से में हमें ये जो पिंक कलर में अपने फुट पैड कट किए थे इन्हें इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे यहाँ से लेके इस तरीके से पूरे में जॉइंट कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जॉइन नीचे वाला हिस्सा हमने खुला छोड़ा था फुट पैड्स के लिए इसे हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। तो आप इसे जॉइंट कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके इस तरीके से पूरा इसे यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइन कर लीजिए। तो मैं इस ये देखिए इस हिस्से को जॉइन कर लीजिए, तो मैं इसे जॉइंट कर लेती हूँ, आप लोग भी इसे जॉइन कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने फुट पैड को जॉइन कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे वाला फुट पैड भी जॉइन कर लेना है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने फुट पैड को जॉइन कर लिया, तो आप भी दूसरे वाला भी आप इसी तरीके से फुट पैड जॉइन कर लेंगे। तो इसे भी हम जॉइन कर लेते हैं, तो फुट पैड जॉइन कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे फुट पैड भी जॉइंट हो चुके हैं। तो अभी हमने जो बनी की जो फेस रेडी किया था इसे हमने बॉडी से अटैच कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बनी की बॉडी एंड फेस रेडी हो चुका है, फेस को हमें बॉडी से अटैच करना है। तो पहले आप इसे इस तरीके से कर लीजिए, ये हमारी बनी की बॉडी है, फेस है। तो इस फेस को हमने यहाँ से जॉइंट करना है। जो ये फेस का जो बैक हेड है, बैक हेड के जॉइंट को बैक बॉडी के जॉइंट से हमने अटैच करना है इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी बनी का बैक हेड है, तो बैक हेड को बैक बॉडी से अटैच करना है इस तरीके से। तो आप इस जॉइंट को इस जॉइंट तक आप अटैच कर लीजिए और इस साइड से इस जॉइंट को, सभी जॉइंट्स को एक साथ अटैच कर लीजिए। और ये हमारी जो फ्रंट बॉडी है, जो फ्रंट बॉडी का
जो बीच वाला हिस्सा सेंटर का पार्ट है वो हमें इसके बनी के फेस के जॉइंट से अटैच करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसे जॉइंट करना है, तो हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जो फ्रंट बॉडी का फ्रंट फेस से इस तरीके से अटैच करना है। जो बैक हेड का जॉइंट है, बैक हेड का बैक बॉडी से जॉइंट करना है। ये बैक बॉडी है, जो बैक बॉडी का हिस्सा है, बैक बॉडी का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बैक हेड के जॉइंट से अटैच करना है इस तरीके से। और इस जॉइंट को इस तरीके से आपने अटैच करना है। जो साइड के जॉइंट्स हैं इन्हें हैंड्स के इस जॉइंट से अटैच कर लेना है इस तरीके से। फेस का हम ऐसे अटैच कर लेते हैं। आप लोगों को अगर ये जो हमारा फ्रंट बॉडी है, फ्रंट बॉडी को आप देखिए, सेंटर में कॉर्नर पे आपको एक स्टिच सा दिया होगा सेंटर के पार्ट में। इस सेंटर के जॉइंट को आपने, फ्रंट फेस के सेंटर के जॉइंट को इस जॉइंट से अपने अटैच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसे पूरा इस तरीके से हेड को बॉडी के साथ जॉइंट कर लीजिए। तो मैं जॉइंट कर लेती हूँ, आप इसे जॉइंट कर लीजिए। ओके, तो जॉइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी बॉडी से इसका फेस अटैच कर दिया है। तो अब हमारा जो बनी है वो बन के तैयार है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो आप इसे भी सीधा कर लीजिए। तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा बनी है। तो अभी हमने इसे सीधा कर लिया। तो अभी हमें नोज़ इससे अटैच करना है। तो हम नोज़ ले लेते हैं। ये हमारे बनी का जो नोज़ है उसे हमें इसे इसके साथ अटैच करना है। तो हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। जो ये नोज़ है, नोज़ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, आप लोग देख सकते हैं, इसे यहाँ से हमें कट करना है। तो हम कट कर लेते हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ से हल्का सा कट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अटैच कर देते हैं, ये देखिए बनी का जो नोज़ है वो नोज़ अटैच हो चुका है। इसे सीधा कर लीजिए, ये देखिए। तो अभी हमें इसमें फाइबर जो कॉटन है वो डालनी है। तो वो डाल लेते हैं। आप इसमें कॉटन फिल कर लीजिए, ये देखिए। तो आप लोग भी इसमें फिल कर लीजिए। हम फिल कर लेते हैं इस तरीके से, जो बैक साइड से हमने खुला छोड़ा था वहीं से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नोज़ में जो है कॉटन वो डालेंगे नोज़ की शेप के लिए, ये देखिए। आप इसी तरीके से धीरे धीरे इसमें सब में कॉटन डाल लीजिए।
आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमने इसमें 5 जो कॉटन है उसे फिल कर लेना है। अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा और फिर इसे यहाँ से जो ये जॉइंट है इसे हम अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा बनी है, तो इस तरीके से आप लोग देखें इसमें जो फाइबर हमने डाल दिए देखिए। तो अभी हमें जो है इसे पीछे से स्टिचिंग कर लेनी है, तो स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से फिल कर लिया। अभी हम इसे अटैच कर लेते हैं, तो आप अभी इसे अटैच कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये भी बन के तैयार है। तो आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना है, इसके अंदर जो ये ईयर्स आप लोग देख सकते हैं ये जो बार बार नीचे इस तरह से गिर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से इसे अटैच कर लेना है इन दोनों को। तो अपने मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से इन दोनों ईयर्स को अपने बैक साइड से इस तरीके से अटैच कर लेना है। इसके लिए आपको इस तरीके से अटैच करना है, ये देखिए दोनों ईयर्स के यहाँ से आपने वाले हिस्से को इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपने इसे अटैच कर लेना। ये अटैच हो चुका है यहाँ से ईयर्स हमारे। अभी हमें आईज जो है वो लगानी है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से हमें आईज को अटैच करना है। तो आप भी ने आईज को लगा लीजिए यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हैं जो बीच का जो हमारे साइड फेस का जो जॉइंट था इस जॉइंट से इधर और इधर और चिक के इधर जॉइंट से बिल्कुल अटैच करके यहाँ पे हमारी आईज लगनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं तो आईज को आप अटैच कर लीजिए यहाँ पे।
आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बनी है वो बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा बनी है, वो रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बीच में आप हार्ट भी अटैच कर सकते हैं, ये देखिए। तो अगर आप लोग चाहें तो हार्ट भी कट कर सकते हैं, तो मैं एक इसमें हार्ट भी अटैच करना पसंद करूँगी। तो हम एक हार्ट की कटिंग कर लेते हैं, मैं इसमें एक हार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। हम भी हार्ट को मार्क कर लीजिए इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से एक शेप इधर से, एक इस साइड से। मार्क कर लिया, इसे हम कट कर लेते हैं। अभी इसे कट कर लीजिए, ये देखिए मैंने हार्ट्स को कट कर लिया इस तरीके से। तो आप अभी इसे स्टिच कर लीजिए, ये ऐसे। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस हिस्से को खुला छोड़ना है, आप तो देख सकते हैं हार्ट के इस हिस्से को आपने खुला छोड़ना है। तो बाकी मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, लोग भी इसे यहाँ से लेके पूरा स्टिच कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो अटैच हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, आप लोग इसे सीधा कर लीजिए। तो हमने इसे सीधा कर लिया, अब इसमें हम कॉटन डाल लेते हैं। ये देखिए, ये हार्ट बन के रेडी है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे, इसे आप यहाँ से स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, ये जो हार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसे यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दीजिए। दोनों हैंड्स को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ये जो हैंड है
इसको हमने इस तरीके से अटैच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ भी इस हैंड को भी अटैच कर लेना, तो इसे भी अटैच कर लीजिए। इस तरीके से ये देखिए लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बनी है वो तो बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। ये देखिए बनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए आप चाहें तो इसे पूरा पिंक बना के जहाँ जहाँ हमने पिंक शेड दिया है वहाँ पे आप वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और वाइट की जगह पिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो पूरा पिंक और वाइट शेड दे सकते हैं। मैंने इसे पूरा वाइट में और पिंक शेड दिया, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। इस तरह आप अच्छे अच्छे आप टॉय बना सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी बनी, तो आप उसे बनाइए, गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरह का जो भी प्रेजेंट है बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए आपको इस तरीके से आप लोग अपने अपने बच्चों के लिए या गिफ्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह के सॉफ्टवेयर और बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के टॉयज बनाना चाहते हैं वो भी इस चीज़ को बना सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।